एवरीवन, वेलकम टू वेदिनी। और आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे कुछ पीवाई क्यूज, जो हमारी एंटीबॉडी के रिगार्डिंग कुछ पीवाईस क्यूज थे जो मैंने आपको 3 क्लासेस में पढ़ाया है, उसी के जो पीवाईस क्यूज वो हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये फर्स्ट है, जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। आपको सिंपली करना क्या है कि वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कर लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये हम देखेंगे कि जैसे दिसंबर 2015 का ये है, इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। और ये क्या है, मैच ऑफ द फॉलोइंग। अब मैच ऑफ द फॉलोइंग है तो ये सिंपली क्या है, इसको तो हम कर ही लेंगे। जो मैंने आपको लास्ट में एक टेबल बताई थी, जब मैं आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज बता रही, टाइप ऑफ क्लासेस बताई थी जब मैंने आपको, तो जो हमारी सेकेंड क्लास थी उसमें मैंने एक टेबल आपको बताई थी, उसी टेबल से आपका ये पूरा सॉल्व हो जाना है। वैसे पहला क्या है, बाइंड टू द मैक्रोफेजेस बाय एफसी पोर्शन। तो जो मैक्रोफेजेस पे एफसी रिसेप्टर प्रेजेंट थे, तो ये जो एफसी रिसेप्टर है वो किस टाइप की एंटीबॉडी से, सबसे पहले अगर हम मैक्रोफेजेस की बात करें तो वो कौन सी एंटीबॉडीज थी, तो वो आपकी एंटीबॉडी थी आईजीजी एंटीबॉडी। क्योंकि जब भी हम ऑप्शनाइजेशन की बात कर रहे थे, फेगोसाइटोसिस की बात कर रहे थे, तो मेजरली जो एंटीबॉडी पार्टिसिपेट कर रही थी वो थी हमारी आईजीजी एंटीबॉडी। तो इसका क्या फर्स्ट का फोर्थ होगा। फिर बाइंड टू द मास सेल्स, अब ये तो एकदम बेसिक है कि ये हमें याद ही हो गया है कि आईजीई एंटीबॉडी जो है, जो मास सेल और बेसोफिल्स हैं, उसके पास किस एफसी एंटीबॉडी के रिसेप्टर प्रेजेंट होते थे, वो थी हमारी आईजीई एंटीबॉडी, जो बेसिकली ग्रेन्यूलेशन से डीग्रेन्यूलेशन में पार्टिसिपेट करती है। फर्स्ट बी सेल रिसेप्टर की अगर आप बात करें, तो फर्स्ट बी सेल रिसेप्टर आपकी आईजीएम एंटीबॉडी थी, जो मोनोमेरिक इन नेचर होती है। फर्स्टली जो आपकी बी सेल्स है, मैच्योर बी सेल्स है जिनमें एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, तो वो आपकी आईजीएम एंटीबॉडी होती है, जो बेसिकली मोनोमेरिक इन नेचर होती है। फिर इसके बाद इनका सिक्रेशन हो रहा था, और ये सिक्रेशन के बाद आपकी बन जा रही थी पेंटामेरिक, ठीक। फिर नो मेजर स्पेसिफिक फंक्शन हमें आईजीडी का नहीं पता है, जैसे ये है। और प्रोटेक्ट जो म्यूकस टिश्यू में जिसमें सबसे ज्यादा सिक्रेशन हो रहा था, वो सिक्रेटरी एंटीबॉडी कौन सी थी, आईजीई एंटीबॉडी थी। तो ये तो एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, जो सिंपली हमारे फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडी से आया था, क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी से आया था। तो इस तरीके से ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए का जो है फर्स्ट होगा, तो कौन सा है हमारा, डी है आई थिंक सो, है ना, हाँ आईजीए, और ई का देख लीजिए फर्स्ट, हाँ। तो जो हमारा आंसर है वो डी होगा, तो डी ही इसका आंसर है। अब इसमें एक्सप्लेनेशन की तो शायद जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपली आप उस टेबल को याद कर लेंगे तो ये सारा आपका सॉल्व हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं सर, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसको तो आप सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द ह्यूमन सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन टेक अ पार्ट इन क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे, या कॉम्प्लीमेंट पाथवे। तो कॉम्प्लीमेंट पाथवे में क्लासिकल ही पाथवे होता है जो एंटीबॉडी डिपेंडेंट होता है, बाकी अल्टरनेटिव और लेक्टिन पाथवे तो हमारा इंडिपेंडेंट होता है। तो उसमें मेजोरिटी में पार्टिसिपेट करने वाली एंटीबॉडी होती है आईजीजी और आईजीएम, लेकिन यहां पर जैसे आईजीजी का ही ऑप्शन है, तो हम ऑप्शन डी को ऑप्ट करेंगे, और ये इसका आंसर है, और ये एक्सप्लेनेशन है आपको पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा सॉल्व कर लीजिए, ये तो अभी 2019 का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन आइसोटाइप, आइसोटाइप मतलब कौन सा, कौन कौन से आइसोटाइप थे, आईजीजी ए एम डी एंड ई, प्ले द प्राइमरली रोल इन अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन, गट की बात हो रही है, रेस्पिरेटरी म्यूकोजा की बात हो रही है। तो जब भी आप म्यूकोसल टिश्यू देखेंगे, गट लाइन देखेंगे, कैनाल्स देखेंगे, तो वहां पे सबसे ज्यादा सिक्रेशन क्या हो रहा था, आईजीई का। आईजीई का क्या है, मास सेल्स एंड बेसोफिल्स, जहां पर एलर्जी की बात होगी। आईजीएम का क्या फंक्शन होगा, आईजीएम भी आपके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के लिए एक्टिवेट होगी, प्लस में ग्लूटिनेशन के लिए। आईजीडी का कोई फंक्शन स्पेसिफिक नहीं पता है, आईजीए सिक्रेटरी एंटीबॉडीज है जो म्यूकोसा टिश्यू में है, तो आंसर आपका डी होगा, और ये अगेन उसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा सॉल्व कर रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो इसमें ऑप्शन आपने आंसर ही देख लिया, चलो कोई बात नहीं, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि जो आपका इम्यूनोग्लोबुलिन है, ये तो हमें पता है कि इसकी थेरापोटिक एप्लीकेशन है इन कैंसर ट्रीटमेंट, इन्फेक्शन क्लियरेंस, ये क्वेश्चन हाँ 16 का है, ठीक है। तो अब क्या है कि फॉर दिस रीजन इम्यूनोग्लोबुलिन आर ब्रीफली क्लिप्ड बाय, ये जो ऊपर लिखी हुई है ना वो कहानी है, इम्यूनोग्लोबुलिन का फंक्शन इसमें होता है, इसमें होता है।
जो मेन बात है वो यहां से शुरू हुई है कि एंटीबॉडी को पेप्सिन से इनने डाइजेस्ट किया है। तो इन्होंने कहा है कि अगर जब हम पेप्सिन से इसको डाइजेस्ट करेंगे तो ये कुछ स्टेटमेंट है और इनमें से आप करेक्ट ऑप्शन जो है उसको चूज कीजिए। ठीक, तो डाइजेशन कैसे हो रहा है? पेप्सिन से हो रहा है। तो पेप्सिन से डाइजेशन हो रहा है तो पहले ही हम याद कर ले रहे हैं, कोई कंफ्यूजन ना हो। एंटीबॉडी थी, कौन सी एंटीबॉडी थी? आईजीजी एंटीबॉडी थी, क्योंकि पीसी का हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन था। इसमें सिंपली जब हमने पेप्सिन को ऐड किया तो क्लीवेज कहां हुआ था? आपकी हैवी चेन पे जो कॉन्स्टेंट रीजन था वहां से क्लीवेज हो रहा था। तो आपको दो फ्रेगमेंट मिले थे, आपको कौन कौन सा फ्रेगमेंट मिला था? एक मिला था एफ ए बी, लेकिन टू था, इस तरीके का फ्रेगमेंट मिला था, प्लस एफसी फ्रेगमेंट। तो केवल दो फ्रेगमेंट मिले थे, लेकिन जो फ्रेगमेंट मिला था उसमें दो एंटीजन बाउंड हो रहे थे, इसीलिए लिखने का तरीका क्या होगा? एफ ए बी टू। तो ये हमें जनरेट हुआ था, ये हमें फ्रेगमेंट्स मिले थे। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? एफ ए बी टू फ्रेगमेंट, बिल्कुल सही, इज जनरेटेड विच इज रिटेन इन एंटीजन बाइंडिंग कैपेसिटी, बिल्कुल सही बात है, या एक्टिविटी कि जो आपका फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन, और हमें फ्रेगमेंट इसी टाइप का मिला था एफ ए बी टू टाइप का, जिसके पास एंटीजन बाइंडिंग एक्टिविटी है, तो जो आपका फर्स्ट है वो तो एकदम सही है। सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड ऑप्शन कह रहा है फ्रेगमेंट ए बी, जो एफ ए बी फ्रेगमेंट है, हैविंग द एंटीजन बाइंडिंग एक्टिविटी एंड द क्रिस्टलाइन, जो आपका एफ सी फ्रेगमेंट है, आर जनरेटेड। तो ये जो है ना, ये ऑप्शन आपका है सही, लेकिन ये पेप्सिन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ये है हमारा पेपिन के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ये देखिए जो हमने पेपिन से इसको डाइजेशन किया तो ये हिंज रीजन पे डाइजेशन हुआ। तो टोटल हमें थ्री फ्रेगमेंट मिले थे, एक कुछ इस तरीके से, एक कुछ ये, और सेकंड ये। तो एक एंटीजन यहाँ पे बाइंड हुआ था तो ये एफ ए बी फ्रेगमेंट था, दूसरा एंटीजन यहाँ बाइंड हुआ था तो ये अगेन एफ ए बी फ्रेगमेंट था, और ये आपका एफ सी फ्रेगमेंट था। तो टोटल हमें तीन फ्रेगमेंट मिले, और ये जो एफ ए बी टाइप फ्रेगमेंट था ये हमें पेपिन के डाइजेशन से मिला था, ना कि पेप्सिन के डाइजेशन से। तो स्टेटमेंट बी तो सही है, लेकिन वो पेपिन के कॉन्टेक्स्ट में है, पेप्सिन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है पेप्सिन, तो इसीलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गड़बड़ है। फिर नेक्स्ट क्या है? द फ्रेगमेंट जनरेटेड ऑन इंक्यूबेशन विथ प्रॉपर एंटीजन फॉर्म अ विजुअल प्रेसिपिटेशन, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब हमने एंटीजन के साथ बाइंडिंग करवाया था, जैसे ही डाइजेशन किया उसके बाद यहाँ पर एंटीजन को ऐड किया, तो एंटीजन यहाँ पे बाइंड हुआ था, और उसको हमने कैसे विजुअल करके ही देखा था, हमें प्रॉपर बाउंडेशन प्राप्त हुआ, हमें मिला कि जो हमारा वेरिएबल रीजन है उससे एंटीजन बाइंड होता है, वहीं पर जो क्रिस्टलाइन नेचर है वो नॉन बाउंडेड रीजन है। और जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो फ्रेगमेंट जनरेटेड इज इनकेपेबल ऑफ द फॉर्मिंग विजुअल प्रेसिपिटेशन। तो ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो आप इससे भी आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्योंकि जो स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है मतलब उनमें से कोई एक ऑप्शन जरूर सही होगा। तो हमें जब दिखा था तभी तो हमने आइडेंटिफाई किया, तभी हम बता पाए कि कोई एफसी पोर्शन है, कोई हमारा ए बी पोर्शन है, तो विजुअलिटी तो मस्ट बी देयर, इसी वजह से आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो भी आपका सही है, लेकिन जो फोर्थ है वो इनकरेक्ट है। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन सही है। तो आपका कौन सा? फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब आपका बी जो स्टेटमेंट है वो सही होगा, और ये उसका एक्सप्लेनेशन है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर केवल मैंने पूरी क्वेश्चन मेंशन करे जो आपके प्लेन क्वेश्चन थे, जो एंटीबॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से आए हुए थे। अब कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एंटीबॉडी के ही हैं, लेकिन वो कुछ तरीके के हैं कि आपने एंटीबॉडी को डाइजेस्ट किया, आईजीएम एंटीबॉडी थी, फिर उसका वेस्टर्न ब्लॉटिंग करा, तो अब आप बताइए कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो ये सारे क्वेश्चन जब मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट बता दूंगी वेस्टर्न ब्लॉटिंग वाला, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ बेसिक थे, तो आपने देखा कि इनको हम बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपकी सारी कंसेप्ट क्लियर है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, जुड़े रहिएगा इस चैनल पे, हम धीरे धीरे करके सारे एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चंस को भी रिवाइज कर लेंगे। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।